इंदौर में फिर एक बार हत्या की घटना सामने आई है। देर रात दो सगे भाइयों पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में मनोज नामक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसके भाई को गंभीर चोट आने के चलते उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हत्या की यह वारदात इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की है। अज्ञात आरोपियों ने यहां रहने वाले मनोज और उसके भाई बंटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मनोज की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बंटी घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि आरोपियों का कोई सुराग मिल सके। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं। थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में बुद्धनगर जो बस्ती है, यहाँ पर एक घटना हुई है, जिसमें मनोज जो 35 साल के हैं और उनका भाई बंटी जो 34 साल का है, उसके साथ चाकूबाजी घटना हुई है। मनोज की डेथ हो गई है और बंटी जो है घायल होना बताया गया है। स्पॉट पे सारी कार्रवाई, FSL टीम, फोटोग्राफर, हम सभी लोग, TI साहब आ गए हैं और विवेचना पूरी प्रारंभ पुलिस ने कर दी है। लाश को PM के लिए रवाना किया, पंचनामा सारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, ओपनली कोई अभी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता चल गया है कि किस प्रकार किसने घटना की है, तो उसकी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और जैसे ही क्लियर होता है तो हम रात में ही आरोपी को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी घटना खुलासा करेंगे। घटना का कारण क्या रहा अब तक? अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि ओपनली कोई भी ना तो आरोपी का नाम बता रहा है ना घटना कारण बता रहा है, लेकिन चूँकि घटना सबके सामने हुई है तो कुछ इनपुट हमें मिल गए हैं और उनको हम लोग काम कर रहे हैं। आरोपी संदेहों के नाम आ गए जिन पर हम तलाशी कर रहे हैं, और जैसे ही वो पकड़े जाते हैं और एविडेंस पूरा मिल जाता है, तस्दीक हो जाती है, तो आपको नाम भी बताएंगे और कारण भी बताएंगे। सर मृतक क्या करते हैं? ये पुताई काम करते थे ऐसा बताया गया। सर कितने लोग? ये अभी स्पष्ट नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि हाँ सभी लोग आपके सामने ही मौजूद हैं, लेकिन ये खुल के कोई बता नहीं सकती, लेकिन गुप्त तरीके से पतासाजी हम लोग कर रहे हैं और बहुत चीज़ें तक क्लियर हो गई हैं, लेकिन आरोपी की संभावना है कि एक से अधिक हो सकते हैं। सर घायल की क्या? एक घायल ठीक है, एक है बंटी घायल है और हालत अभी ठीक बताई गई है। वो खुद ही थाने पहुँच कर उन्हें सूचना दी और उसके बाद पुलिस वाले सभी हम लोग एक्टिव हुए थे, आ गए थे तुरंत और उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सर रूम में पार्टी वगैरह कर रहे थे, बता रहे साथ में बैठे के सब? अभी कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते अपन के वो साथ में किसके थे और क्या चल रहा था, लेकिन अभी तो सिर्फ एक प्रारंभिक विवेचना प्रारंभ की गई, स्पॉट देखा गया, उसके बाद जब चीज़ें क्लियर होंगी तो बताया जाएगा। इस हत्याकांड में पुलिस को पुरानी रंजिश की आशंका है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी, लेकिन लगातार इंदौर शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने जहां बदमाशों के बुलंद हौसलों को सामने लाकर रख दिया है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं।